साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। मड़वाडी रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 3 संपार फाटक को लोहे का पिलर लगाकर बंद किए जाने के विरोध में वाराणसी जिला मुख्यालय पर युवा जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों क्षेत्रवासियों के साथ कार्यालय तक जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी भी किया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता युवा जनता दल यूनाइटेड प्रबंधक सचिव सनातन। आज किस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए ये मरवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 3 जो प्राय रेल प्रशासन ने इसको बंद कर दिया, उसको लेकर लोग विधायक जी के यहाँ मिले। मेरा ये कहना है कि रेल प्रशासन रेलवे के आसपास तमाम क्रॉसिंग है जैसे लहरतारा डीएलडब्ल्यू, उसको नहीं बंद किया गया और आज मरवाड़ी आसपास के 50,000 लोग उससे प्रभावित हैं। मेरी ये मांग है माननीय रेल मंत्री जी के नाम आप संबोधित ज्ञापन देने हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से शालीनता के साथ हम लोगों ने अंदर प्रवेश भी किया है और बधाई देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के नागरिकों को। हम लोग की स्पष्ट ये मांग है केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार से कि रेल अपना काम करे, लेकिन जनता को आने जाने के लिए जो गरीब लोग हैं जो टाली रिक्शा से आते जाते हैं उनके लिए अंडर पास बना दिया जाए। पिछले दिनों आंदोलन के दौरान मुकदमे भी लादे गए थे और मनोज सिन्हा जब रेल मंत्री थे उन्होंने कहा था कि इस पे जो है हम लोग तत्काल अंडर पास बनाने की स्वीकृति देंगे। यहाँ के लोगों ने विधायक जी के यहाँ भी गए, विधायक जी ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। मैं सौरभ सिद्धार्थ जी से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर आप चाहते तो शायद हम लोग को यहाँ नहीं आना पड़ता। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज पत्र दूंगा और यह मांग करूंगा कि जिला प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए वहाँ पर अंडर पास बनावे, वरना यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और कहना चाहता हूँ कि गरीब जनता का अगर काम नहीं करेंगे तो जो परिणाम दिल्ली में आपको देखने को मिला है वही पूरे देश में लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखने को मिलेगा। गरीब जनता वोट देती है और जब नेता सरकार बना लेते हैं तो गरीब जनता से दूर।